हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। इंडियन किचन में आज मैं आपके लिए लाई हूँ नई रेसिपी मैगी कटलेट। बनाने में बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बेसिक मसालों से हम इसको तैयार करेंगे। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई करना। चलो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मैगी के दो पैकेट लिए हैं। मैगी को हम पहले सिंपल पानी में नमक डालकर उबाल लेते हैं। मैगी को बॉईल करने के लिए मैंने पैन लिया है, उसमें हम पानी डालेंगे 1 से 1.5 ग्लास। गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे। पानी में हम नमक डाल देंगे। तो देखिए पानी में उबाल आ चुका है, अब हम मैगी के पैकेट इसमें डाल देंगे और इसको 80% तक ही बॉईल करेंगे, इसका कच्चापन निकल जाएगा। इसमें 1 चम्मच तेल का डाल देंगे। तो देखिए मैगी हमारी 80% तक पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं और इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि ये आपस में चिपके ना। मैगी हमारी ठंडी हो चुकी है, अब कटलेट की स्टफिंग के लिए हम मैगी में मसाले डालेंगे। ऑर्गेनो पाउडर, मैगी मसाला पाउडर ताकि इसमें मैगी का टेस्ट आए, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको बाइंड करने के लिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच अरारोट के डालेंगे। आप कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, अभी हम आटे के रोल बनाकर उसमें ये स्टफिंग भरेंगे। ये हम गेहूं के आटे के बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 लोई ली हैं। अब इसको रोटी की शेप में पतला पतला बेल लेते हैं। अब इसको पतला पतला बेल लेते हैं। तो देखिए रोटी को हमने पतला सा बेल लिया है, अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। अब हम स्टफिंग लेंगे, उसको बिल्कुल रोटी के किनारे पर बिछा देंगे। अब इसको धीरे धीरे कर थोड़ा टाइट कर इसको रोल बना लेंगे। किनारों से बंद कर देंगे दोनों साइड से। अब इसको अच्छे से रोल कर देंगे। अब इसको काट लेते हैं। अब एक पीस लेंगे, उसको हल्का सा प्रेस कर इसको चपटा कर लेंगे और एक कटलेट की शेप। तो देखिए सभी कटलेट हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर पैन को चढ़ा दिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक कर हम मैगी कटलेट को फ्राई करेंगे। इनको बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाएं। एक तरफ से कटलेट हमारे पक चुके हैं, अब इसको पलटाकर दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई करते हैं। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से क्रिस्पी होने में। अब हमारे कटलेट 80% तक फ्राई हो चुके हैं, अब हम फ्लेम तेज करके इसको पकाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया इन पर गोल्डन कलर आ चुका है। अब 1 मिनट तक और पकाएंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। कटलेट हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। समोसे से भी अच्छा इनका टेस्ट आता है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करना। इसी तरह हम बाकी बचे कटलेट भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सभी मैगी कटलेट हमारे रेडी हो चुके हैं।
आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।